हेलो रिया, रिया मैं सुहानी की दोस्त रीमा बोल रही हूँ। एक्चुअली मैं कब से उसका फ़ोन ट्राई कर रही थी लेकिन उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा है। तो मैंने आशा आंटी को फ़ोन किया था, उन्होंने तुम्हारा नंबर दिया। हाँ रीमा, तुम्हारे और सिमर के बारे में बताया था मेरे सुहानी ने। ओह एक्चुअली सुहानी का फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है, कहाँ है वो? रीमा, सुहानी और रणवीर दोनों लापता हैं। क्या लापता? ऐसे कैसे? मतलब वो दोनों का फोन नहीं लग रहा है, पता नहीं वो दोनों कहाँ हैं। सारे घर वाले भी परेशान हैं। ओह गॉड, पर ऐसे अचानक से ये कैसे हो गया? पता नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ, इसी को कुछ नहीं पता। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। रिया प्लीज प्लीज रोना बंद करो। देखो सुहानी इज अ प्योर सोल और सिमर हमेशा कहती है कि अच्छे लोगों के साथ माता रानी कभी गलत नहीं करती। You're right, रीमा। ओके रिया, कुछ भी पता चले सुहानी और रणवीर के बारे में मुझे इमिजिएटली इन्फॉर्म करना। ओके ओके रीमा, ठीक है। आज तुम बहुत खुश हो, एकदम नई नवेली दुल्हन जैसी स्माइल है तुम्हारे चेहरे पर। मैं तुमसे वादा करता हूँ, ये स्माइल तुम्हारे चेहरे से कभी जाने नहीं दूंगा। वादा कर। बात हामी, तुमने कपड़े चेंज कर लिए? मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है कि तुमने मेरी बात सुनी, उसे समझा, अपने कस्टम और ट्रेडिशन को ना सिर्फ अपनाया बल्कि इस तरह दिखाया भी। बहुत हिम्मत चाहिए होती है इसके लिए। इट्स नाइस ना अरु, एंड थैंक्स टू यू सिमर, रियली ऑल द क्रेडिट गोज टू यू। क्रेडिट छोड़ो, देखने वाली बात तो यह है कि तुम कितनी प्यारी लग रही हो। आई मीन प्यारी तो तुम हमेशा ही लगती हो, लेकिन आज बात कुछ और है। मैं कह रही हूं कोई लड़का पसंद हो तो उसे आज ही बता दो, देखना वो बिल्कुल मना नहीं कर पाएगा। तो बोलो आरु। हाँ या ना? मेरा मतलब है वो लड़का मुझे पसंद तो करेगा ना? वो हाँ कहेगा या ना? मैं एक इम्पोर्टेंट कॉल करके आता हूँ सिमर। थामी? हाँ मैं कह रही हूँ ना, सच में बहुत प्यारी लग रही हूँ। थैंक यू। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ ना सिमर, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और तो और बहुत बड़ा थैंक यू, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं अपने प्यार के और करीब आ गई। इंदु जी, मैं इतना भाग्यशाली हूं कि मेरे तीनों दामाद मेरे बेटों से कम नहीं है। और तो और मुझे तो बहू भी बेटी जैसी मिलने वाली है। माता रानी को जितना भी धन्यवाद कहूं कम है। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, हाँ रेडी हो जाओ धूमधाम वाली शादी के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू टू। हाँ मैं पता क्या कह रहा था, तू भी बहती गंगा में हाथ धो ले। क्या मतलब? मतलब ये है कि जब तू बड़ा होगा, मतलब बड़ा तो हो गया है, हाँ? जब तेरे बच्चे होंगे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे, उनको कहानी सुनाने के लिए कुछ चाहिए ना। हाँ तुमको क्या कहेगा, मैंने तेरे मम्मी के साथ भाग के शादी की थी। अरे हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। करेक्ट। तो अब क्या करूँ? तू रीमा से बात कर, शादी कर, बहती गंगा। हाँ तो है भाई, पॉइंट तो है। मैं काम करता हूँ, रीमा से बात करता हूँ। ओके रीमा, रीमा 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 कहाँ है अब? मैं रीमा से बात करके आता हूँ। थैंक यू। मुझे लड़की बन के जाना है, मैरिड आंटी नहीं।
ये तुम्हारा कौन सा लुक है ब्यूटी क्वीन? प्रिंसेस लुक। आफ्टर ऑल ये मेरा अनमैरिड अवतार जो है, लग रही हो ना कवारी लड़की। और तुम्हें लगता है कि इतने से तुम्हारा काम बन जाएगा? डोंट फॉरगेट यू आर ऑफिशियली मैरिड। ओहो सैंडी, ये बात तुम्हें पता है, मुझे पता है। वो नए प्रोड्यूसर को तो नहीं पता ना जिसे हम मिलने वाले हैं। बोल देना उसे झूठ कि मैं एक एम्बिशियस अनमैरिड एक्टर हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। बाय द वे दिस इज योर चेक। अब तो सब ठीक है ना? थोड़ा कुछ और करना पड़ेगा। जैसे कि ये क्या कर रहे हो तुम? वो मंगलसूत्र उतार रहा था। वो देखो प्रोड्यूसर सर आ गए। हाय सर। हाय रीमा, मीट गैरी सर। गैरी सर, मीट रीमा। नाइस टू मीट यू रीमा। सेम हियर सर। और रीमा, गैरी सर म्यूजिक इंडस्ट्री के किंग हैं। ये समझ लो कि म्यूजिक इंडस्ट्री में इनसे बड़ा और कोई भी नहीं है। और गैरी सर, ये रीमा है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। गैरी सर, आई एम सो सॉरी, आपको बताना ही भूल गया कि She is my girlfriend also. Wow, that's great news. वैसे भी आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो। Thank you, sir. Sir. We are planning to move in soon. बहुत जल्द हम साथ शिफ्ट हो जाएंगे। सैंडी, तुम तो बहुत लकी हो। छोटे, साइकिल क्यों खड़ा हुआ? क्या हो गया? कुछ नहीं भाई। सना, Something's bothering you. भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक हो क्या गया है? बोलेगा? पापा जेल में हैं, मॉम सदमे में हैं, और रीमा, रीमा का कभी कुछ पता ही नहीं होता। एक पल में यहाँ होती और दूसरे पल में पता नहीं कहाँ। I feel so lonely. पागल है तो lonely feel करेगा। मैं हूँ, तेरी भाभी है। और देवर जी, पूरा परिवार भी तो यहाँ है। हाँ भाभी, आप हो, पूरा परिवार यहाँ है, तो फिर रीमा क्यों नहीं है? कभी कभी तो मुझे लगता है कि आपकी बहन ना टू मच है। उससे शादी करके मैंने कुछ बड़ा ही बंगा ले लिया है। नाइस टू मीट यू, बहुत जल्द मिलेंगे। टेक केयर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तेरी औकात भी है मेरी बॉयफ्रेंड बनने की? मुझे छुआ कैसे? हाँ, और मैं तेरे साथ लिव इन रहूंगी। यक! एक तो हेल्प करो और ऊपर से एटीट्यूड से हो। ये हेल्प थी? तुम ही ने कहा था ना कि कुछ भी करके संभाल लेना, तो मैंने बस वही किया।
म्यूजिक वीडियो तुम्हें चाहिए, मुझे नहीं। डिड यू गेट दैट? मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। और अगर तुम्हें ये सब कुछ पसंद नहीं है ना, तो जाओ और जाकर बोल दो प्रोड्यूसर को कि किस तरह तुमने एक अमीर लड़के को फंसाकर उससे शादी की है। हाउ डेयर यू? तुम्हें क्या लगता है, मुझे समझ में नहीं आता ये चेक कहां से आया, कैसे आया ये चेक? We both are lying so that you can get the music video. और बेहतर यही होगा कि हम दोनों मिलकर एक साथ काम करें, ओके? अदरवाइज फॉरगेट इट। सैंडी, आई थिंक मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। ठीक है, अब तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। क्या करना होगा मुझे? देखो, वो प्रोड्यूसर है, कभी भी किसी भी वक्त मेरे घर पर आ सकता है डिनर एंड ऑल के लिए। तुम्हें वहां पर रुकना होगा सो दैट उनको लगे कि यू आर माय गर्लफ्रेंड, ओके? बट दिस टाइम देयर इज नो प्रेशर फ्रॉम माय साइड। अगर तुम्हारी मर्जी है तो ठीक है। घर पर? सैंडी, बस ये एक बार की बात होगी ना। मेरा मतलब है, क्या हम वो प्रोड्यूसर के साथ लंच नहीं रख सकते? ये डिनर सीन अवॉइड करते हैं ना प्लीज। मैं तुम्हें बता दूं कि प्रोड्यूसर सर मुंबई में रहते हैं और वहां पर लंच, काम और ड्रिंक्स सब कुछ 5 बजे के बाद होता है। ड्रिंक्स भी? तुम खुश हो ना? घर चलते। सिमर, यू नो आई हैव टू टेल यू, आज तो भूख खाकर इतना मजा आ गया, एंड स्पेशली दैट हलवा, दैट वाज सो मुआ। हां, वेरी नाइस ना, रियली लविंग, यू नो। एक मिनट, अब ये तो तय हो गया है कि आरव और सिमर की शादी होने वाली है, राइट? जी मां। तो अब ये होगा कि मेरा ये प्यारा सा बेटा आरव मेरे साथ ओसवाल मैंशन चलेगा और मेरी होने वाली दुल्हनिया यहीं रहेगी अपने मायके में। क्या? शादी होने तक। मतलब मैं समझा नहीं, मायके में रहेगी क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सिमर का स्वागत उसके ससुराल में बहुत धूमधाम से हो, उसका गृह प्रवेश रीति रिवाज के साथ हो, शुरुआत शुभ होनी चाहिए, सब कुछ अच्छे से हो। बिल्कुल सही कहा माँ, बस मेरे थोड़े कपड़े। अरे डोंट वरी, मैं तुम्हारा पूरा सूटकेस भिजवा दूंगी। पूरा सूटकेस में? भाई अच्छा मैंने बहती गंगा में हाथ नहीं धोए, नहीं तो मेरे भी। क्या हुआ? नहीं माँ कुछ नहीं है, मैं ये सोच रहा था कि सिमर तो ऑलरेडी मेरी पत्नी है ना, तो यहाँ पे रहे मतलब क्या लॉजिक? तो तुम्हें तुम्हारी माँ का लॉजिक समझना है? नहीं नहीं, मैं समझाती हूँ, समझाती हूँ ना। माँ माँ आप कह रहे तो सही कह रही हो, मैं बाय बोल दूँ तुमने कहा? ताई मैं आप लोगों की गाड़ी में इंतजार करता हूँ। भाई थोड़ा जल्दी। हाँ अरे धामी, आई वांट टू टेल यू थैंक यू सो मच, मैं तो भूल ही गई थी कि शादी तक सिमर और आरव को अलग रखना है, तुमने याद दिला दिया। नहीं आंटी, इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरी ड्यूटी है ना, और वैसे भी सिमर तो बहुत रीति रिवाज फॉलो करती है ना, तो सारी चीजें ट्रेडिशनली ही होनी चाहिए। राइट, एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू वंस अगेन। सिमर सिमर सिमर, ये तुमने क्या कर दिया, तुम मेरा साथ नहीं दे सकती थी? अरे जी मुंह में। सिमर तुम जानती हो तुम्हारा कमरा कितनी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारे बिना वो कितना तड़पेगा, तुमने अपने कमरे के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। आरव जी, आप अपने कमरे की बात कर रहे हैं या खुद की? ये देखो आज जो है ना मैं। हाय जीजू, अब मैं ये कह रही थी कि नेक्स्ट टाइम जब भी आपको आना होगा ना तो खिड़की से नहीं, प्लीज दरवाजे से आइएगा, क्योंकि इस घर के दरवाजे आपके लिए भी हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं। कुछ बात कर रहे थे? हाँ वो एक्चुअली। तो करो। हाँ हाँ
कीजिए ना, क्या बात कर रहे थे आप लोग? दी इनके पास कुछ बात करने के लिए है ही नहीं, चलो ले चलते हैं। चलो दी। हाँ चलो चलो, चलो क्या मतलब? संध्या जी, इंदु जी, आ गया दीजिए, अब चलेंगे। इतनी चल, अरे फिर मिलेंगे ना शॉपिंग के लिए। ठीक है, चलिए मैं आपको छोड़ दूँ। देखना, घर में डबल डबल खुशी का मौका है, और ऐसे मौके पे मैं कुछ भी काम नहीं कर पाऊंगी। हाँ दी, इस बेबी का मामू आपको कोई शरारत नहीं करने देगा, आपको एक जगह शांति से बैठे रहना होगा, है ना समय? कुछ भी मतलब, घर में दो दो शादियां हो रही है और मैं ऐसे एक जगह पे बैठी रहूंगी? नहीं नहीं नहीं, ये तो चीटिंग हुई ना। दी, अभी जो आराम मिल रहा है वो ले लो, वरना ये नन्हे शैतान के बाहर आने के बाद उसी के इशारे पे नाचना होगा, फिर आराम नहीं मिलने वाला। पता है सिमर, मुझे माँ बनने की असली खुशी अब मिल रही है, तुम सबको इतना खुश देख के। एक हग हो जाए? अरे बिल्कुल। मेरा सबसे बड़ा प्लान सक्सेसफुल हो गया। सिमर, सिमर इस घर से, इस रूम से, आरू की लाइफ से हमेशा के लिए आउट हो चुकी है। और तो और, अब मेरा आरू एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ मेरे पास, और मैं अपने आरू के पास। अब हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा। और अब जब आरू और सिमर अलग हो ही चुके हैं, तो सिमर, अब तुम्हारे साथ क्या क्या होगा इसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। ऐसे ऐसे झटके मिलेंगे ना तुम्हें सिमर, कि तुम सोच भी नहीं पाओगी। You poor little girl. कितना तरस आ रहा है मुझे तुम पर। Actually नहीं, मुझे तुम पर तरस नहीं खाना चाहिए, because you deserve this. बड़ी ज्ञान देवी बनती फिरती हो ना, बहुत सारे lectures देती रहती हो, right? So you know what, Simar? You should embrace yourself. क्योंकि अब तुम्हारी happy life में ऐसे ऐसे झटके आएंगे कि तुम्हें पता तक नहीं चलेगा।